और जैसे कभी ऐसा हुआ है कि धोखेधड़ी से कोई यहाँ पर रह गया और पानी आ गया हो एकदम? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है, कोई रह जाए ऐसा नहीं हुआ? हाँ तब चले जाते। अच्छा अच्छा, टाइमिंग की पता रहती है ना यहाँ की? मालूम रहते हैं, पानी खुद ब खुद आगे आता है। पानी स्लो आता है कि तेजी के साथ एकदम? स्लो आता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतापन चल सकते हैं। साइड में स्क्रीन मैंने चला दी है, देखो मूवी का सीन दे रहा हूँ सामने, ये वो लोकेशन है। यहाँ पर अंतापंचोली की टांग काटता, देखो कानिया, ये यही वो लोकेशन है देखो। तो यहाँ पर आतिश मूवी की शूटिंग भी हुई थी, देख रहे हैं दरगाह का मेन गेट, ये पूरा रास्ता। और यहाँ पर जो है ना 8:30-9 के करीब में पानी आने वाला है यहाँ पे, और धीरे धीरे पानी आना शुरू भी हो चुका है। यहाँ पर अभी 2-4 दिन पहले सौरभ जोशी भी बैठा हुआ था भाई, और ये देखो यहाँ पर जो है ना पूरा ये बना रखा है लवर पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ पर एक से एक बड़ा सेलिब्रिटी, हर एक बड़ा सेलिब्रिटी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैनर सो फाइनल के साथ तुम्हारा भाई आज पता कहाँ बैठा, ये देखो भाई। तो गाइस आज हम लोगों काफी इंजॉय मजा कराएगा, और भाई साहब ये जो सवारी है ना 8.5 करोड़ की तुम्हारा भाई लेकर आया, ये देखो भाई, ये देखो ये देखो। चल चल मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज जा रहे हैं भाई मरीन ड्राइव, ओके। तो कंटिन्यू बने रहे लोग, काफी जोर मजा आने वाला। ओ घोड़े घोड़े इधर चलो, अरे भाई इधर चलो, आराम से आराम से। ओ भाई 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 भाई, ओ गिरा मत रे, गिरा मत रे, आराम से आराम से। तो गाइस आज के ब्लॉग में काफी जोर मजा कराने वाला हूँ, क्योंकि आज तुम्हारा भैया फुल पावर में आ चुका है, और चश्मा लेकर आया। चलो करते हैं ब्लॉग को शुरू। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई आ चुका है भाई मरीन ड्राइव, ओके ना। तो गाइस अभी जो है ना यहाँ पर जो है ना धूप हो रही है, धूप के अलावा कुछ नहीं है। ये देखो भाई, चेक करो, देखो ये जो है ना मरीन ड्राइव के सामने का है, और ये जो आप देख रहे हैं इधर, इसी को बोलते हैं मरीन ड्राइव। ये देखो, चेक करो भाई, चेक करो, ये देखो। चलो गाइस देखते हैं अभी क्या सीन रहता, और हमें उधर की साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना हम लेफ्ट हैंड में, तो मरीन ड्राइव है राइट हैंड में, ओके। और ये जा रहे अपने भैया। हेलो भैया जी, तो कैसा लग रहा आके? बढ़िया बढ़िया, बढ़िया लग रहा। आतंकवादी लग रहे हो, सुरमा लगा के। और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। क्या बनने वाला आज मरीन ड्राइव का? बनेगा तो चलो गाइस देखते हैं अभी क्या सीन रहता है, चलते हैं यार मरीन ड्राइव पर। अभी हमें ये रोड वगैरह पार करना पड़ेगा, क्योंकि उधर की तरफ हमें जाना है, और अभी इधर से हम आए। चलो देखते हैं यार, काफी बिल्डिंग वगैरह है। अच्छा ये बिल्डिंग आप ही की है क्या भैया? किराए पे दी रखी है। रखी? अच्छा अच्छा, पैरों में गिर गया, बोला भाई रोजी रोटी संभाले तक मैं चल लेगा। ये वाली थी ना, ये मेरा नौकर रहता था, ये वाली, ये वाली। अच्छा चलो भाई चलते हैं, फटाफट से निकलते हैं मरीन ड्राइव की तरफ, देखते हैं अभी क्या सीन है। ओके फाइनली गाइस दोबारा भाई आ चुका है भाई मरीन ड्राइव पर, ठीक है ना भाई। यार यहाँ तो अलग ही रूल्स है भाई, अलग ही इंसो यार। ये देखो भाई, चेक करो यार, क्या बाबा यार ऐसी जिंदगी हो। ये देखो देखो भाई, चेक करो, और सभी लोग जो है ना फनी करने लग गए। ये देखो उधर, देखो देखो देखो, और अभी जो है ना यार क्राउड नहीं है, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए। ये देखो क्राउड नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर जो क्राउड होने वाला है ना वो 5 बजे के टाइम होगा। हाँ भाई, बाकी ये भिखारी आ गया यहाँ पर, दो ना धारी पे जितना जिंदगी जीना था जी ले लाओ। बड़े ये लोग कहाँ से आते हैं? चल बाबू। तो गाइस अभी देखते हैं क्या सीन रहता है। बाकी यार बहुत अच्छा सीन यहाँ का हो रहा है, ये देखो काफी, चेक करो यार, काफी मजा है यार यहाँ का। ये देखो भाई देखो, और अभी जो है ना जब क्राउड आएगा ना तो अलग ही मजा आएगा। तो चलो देखते हैं, कंटिन्यू बने रहोगे तो आप। फाइनली गाइस अभी बैठ चुका हूँ मरीन ड्राइव के सामने जस्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना आपको एक से एक बड़ा सेलिब्रिटी बैठा हुआ मिलेगा। यहाँ पर अभी 2-4 दिन पहले सौरभ जोशी भी बैठा हुआ था भाई, और ये देखो यहाँ पर जो है ना पूरा ये बना रखा है लवर पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ पर एक से एक बड़ा सेलिब्रिटी, हर एक बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में आकर बैठते हैं, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये देखो यार, चेक करो भाई, बहुत अच्छा व्यू आता है। और ये कौन है? हाँ भाई, अच्छा ये तो अपन नहीं है। और बाकी यार गाइस देखो वहाँ क्या क्यूट क्यूट, मतलब पूरे से पूरे आपको लवर्स बैठे हुए मिलेंगे, जितने आपको दिख रहे हैं ना दोस्तों, पूरा लवर बैठा हुआ मिलेगा। और यहाँ का कुछ ऐसा सीन है। तो गाइस अभी मुझे यहाँ से निकलना है फटाफट दरगाह की तरफ, हाजी अली जो मुंबई की फेमस है। वहाँ पर मैंने सुना है जहाँ को हाजी अली जब दरगाह में अंदर जाने जाते हैं ना, तो वहाँ मतलब पानी जो है टाइम से पहले ऊपर आ जाता है, मतलब जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो आज वो मैं अपनी आंखों से देखने वाला हूँ, आई होप कि आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो चलो यार टीवी वगैरह में तो काफी देखा था, आज लाइव देख लेते हैं कि दरवाजा वहाँ का बंद होता है, पानी आता है या नहीं आता है। चलो दिखाते हैं आपको भी। तो सभी हाजी अली तरफ जा रहे थे, बट यार यहाँ पर एक लड़की गई बेचारी के चोट लग गई, तो विशाल भाई थोड़ा हेल्प कर रहे हैं।
वो सही है यार, मतलब देख डाक के इधर से उतर रही थी बेचारी और अचानक से लग गई छोड़ देता। फाइनली गाइस आ चुके हैं हाजी अली दरगाह और यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया आने में, इसी वजह से अंधेरा हो गया, तो फ्लैश जला करके मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। और देखो यार यहाँ का कितना अच्छा सीन है, ये देखो बहुत प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और गाइस यहाँ की एक बात बता दूँ आपको, 8:30 बजे ठीक है ना, ये आपको पूरा अभी मैदान चमक रहा है, ठीक है, ये पूरा मैदान चमक रहा है आपको, 8:30 बजे जो है ना यहाँ पर सब में पानी आ जाएगा ऑटोमेटिक, कुदरती, ये कुदरत का करिश्मा है यहाँ पर, ये सारा जितना भी खाली दिख रहा है ना आपको यहाँ पर सब जगह पर पानी आने वाला है 8:30 बजे, इसीलिए फिर रास्ता जो ना बंद हो जाता है। ये देखो और ये है दरगाह, ये देखो ये है हाजी अली दरगाह, और यहाँ पर इस टाइम शाम का टाइम जो है ना बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा। चलो अभी समुद्र की तरफ चलते हैं क्योंकि सारे साथ के बंदे चले गए, तो चलो देखते हैं अभी क्या रहता है। फाइनली गाइस मैं बिल्कुल समुद्र के पास में आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो दूर दूर तक ये समुद्र बहुत ही दूर तक, इसको पता नहीं कहाँ तक। देखो यार यहाँ का व्यू कितना अच्छा है, जल्दी यहाँ पर जो है ना 8:30 बजे तक जो पानी है ना, बट अभी जो है ना कितने बजे हैं, 7:00 बज रहे हैं ना, अभी पूरा 1:30 घंटा आराम जाइयो। बहुत ही ठंडा पानी और इतना मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब लग रहा है ना जैसे कि कहाँ आ गए बस, कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और एक बात और बता दूँ, यहाँ का जो पत्थर है ना बहुत ही फिसलन कर रहा है, दो बार कर दिया मैं से, देखो एक बार दिखाओ भैया, ये जो पत्थर है ना गाइस बहुत देखिए स्लिप है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना पानी जो है ना मॉर्निंग में चला जाता है और 8:30 के करीब में यहाँ पर आ जाता है, तो रास्ता बंद हो जाता है, दरगाह में कोई नहीं जा पाता है, तो उससे पहले पहले खाली हो जाता है। सो गाइस यार देखो शाम के 7:00 बज रहे हैं और सनसाइड चेक करो यार, कितना क्यूट लग रहा है, ये देखो यार बहुत ही अच्छा दिन लग रहा है यहाँ पर, ये देखो भाई, और यहाँ से जो ना दूर दूर से लोग आते हैं यार, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो सामने बिल्डिंग है चारों तरफ बड़ी बड़ी, मुंबई का गाइस अलग ही सीन है ये देखो, और ये सामने देख रहे हैं आप मेरे, ये है हाजी अली दरगाह। तो यार आप जो है ना एक बार यहाँ पर जरूर आना यार, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा। मुंबई आओ तो हाजी अली दरगाह जरूर आना चाहिए आपको, ये देखो यार बहुत ही चारों तरफ बिल्डिंग है बिल्डिंग, अलग ही सीन है गाइस अलग, ये देखो। ये भाई हमें मिले यहाँ पर, तो यहाँ के बारे में बताएंगे, पानी वगैरह किस टाइम कैसे कैसा आता, तो भाई बता दीजिए थोड़ा। पानी शाम के टाइम चलता है। अच्छा यहाँ देख रहे हैं आप, हम लोग खड़े हुए हैं जी, पानी से थक जाता है। अच्छा अच्छा पूरा पानी बिल्कुल। अच्छा अब जैसे यहाँ पर जी लोग सब घूम रहे हैं तो इनको यहाँ से जल्दी से हटा दिया जाएगा या ये खुद ही अपनी मर्जी जाते हैं? पता है ना टाइमिंग यहाँ का? अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे कभी ऐसा हुआ है कि धोखेधड़ी से कोई यहाँ पर रह गया और पानी आ गया हो एकदम? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ है, कोई रह जाए ऐसा नहीं हुआ। हाँ तब चले जाते हैं। अच्छा अच्छा टाइमिंग की पता रहती है ना यहाँ की? मालूम रहते हैं, पानी खुद खुद आगे आता है। पानी स्लो आता है कि तेजी के साथ एकदम स्लो आता है? धीरे धीरे आगे बढ़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया से देखे मिलकर काफी अच्छा लगा, और यहाँ के पहले सब बन गया है। अच्छा अच्छा। पहले वो पीछे घर था हमारे बड़े अब्बू का। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से पूरा लोग पहले पैदल आ जाते थे यहाँ तक के हाजी अली। अच्छा 15-20 मिनट में जी जी। हाँ हाँ आ जाते, तब तो सब रास्ते बंद हो गए। अच्छा अच्छा पहले ऐसे आ जाते थे? पहले ऐसे पैदल आ जाते थे वहाँ से, 15-20 मिनट का रास्ता था पैदल। अच्छा अच्छा वहाँ पे आ जाते थे। ओके थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा और यहाँ की जानकारी आपने दी। तो यार जैसे गाइस देख सकते हो भैया ने बताया है, ओ पानी 8:30 के करीब ही आता है ना? 8:30-9 बजे। हाँ 8:30-9 बजे के करीब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यार गाइस देख सकते हो, और हमें भी यहाँ से अब जाना चाहिए क्योंकि 7:30 बज चुके हैं, तो यहाँ से हमें भी जाना चाहिए। चलो चलते हैं अभी उधर की तरफ। देखो फाइनली गाइस दरगाह के अंदर आ चुके हैं, दुआ वगैरह मांग ली है और जो भी सिन्नी वगैरह चढ़ानी होती है वो सब कुछ चढ़ा दिया है, बट उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि यार उसकी वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा और वहाँ अंदर अलाउ भी नहीं है वीडियो बनाना। बाकी अब फटाफट से बाहर चलते हैं, और ये है एंट्री गेट, मेन गेट जहाँ से हमने एंट्री करी है, तो चलो चलते हैं अंदर और
देखते हैं अभी क्या सीन रहता है। और आपको यहाँ पर एक लोकेशन और दिखाऊंगा जहाँ पर आगे बताने वाला हूँ क्या लोकेशन है। लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पर आती इस मूवी की शूटिंग हुई थी और अंता पंचोली की जो टांग काटता ना कानिया वो वाली जगह थी। ये देखो यहाँ पर जो है ना ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अंता पंचोली सकते हैं। साइड में स्क्रीन मैंने चला दिया, देखो मूवी का सीन दे रहा हूँ सामने। ये वो लोकेशन है यहाँ पर अंता पंचोली की टांग काटता देखो कानिया, ये यही वो लोकेशन है देखो। तो यहाँ पर आतिश मूवी की शूटिंग भी हुई थी, तो मैं इसी को बोल रहा था कि आपको वहाँ का एक लोकेशन दिखाऊंगा जो मैं आपको यही बता रहा था। ये देखो तो ये जो है ना दरगाह की तरफ जाने का मतलब मेन गेट है यहाँ से, यानी से यहाँ से एंटर होता है और ये पूरा आपको दिखेगा ना पूरा, ये पूरा वो आप देख रहे हैं दरगाह का मेन गेट, ये पूरा रास्ता। और यहाँ पर जो है ना अब 8:30-9 के करीब में पानी आने वाला है यहाँ पे, और धीरे धीरे पानी आना शुरू भी हो चुका है देखो। और यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग भी कम हो जाएंगे चारों तरफ से देखो। तो चलो गाइस देखते हैं अभी आगे क्या। फाइनली गाइस आ चुके हैं दरगाह वगैरह से और फाइनली अब काफी रात हो चुकी, तो निकलते फटाफट से घर की तरफ। और ये व्लॉग आपको कैसा लगा एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके लव यू बाय।